पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 14वीं पुण्यतिथि पर राजधानी के विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने 3 बार के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत के किए गए कामों को याद किया और काम के बदले अन्य योजना को बेहतरीन योजना बताया। इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य और भैरव सिंह शेखावत के परिवार से जुड़े हुए सदस्य भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भैरव सिंह जी शेखावत जी ने राजस्थान के लिए, राजस्थान के आम आवाम के लिए जितना काम किया, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को इस देश के अंदर पहली बार अगर लागू करने वाले कोई थे तो वो भैरव सिंह जी शेखावत। उन्होंने जब पहली बार वो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे तो काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। आज हम उन्हें बाप भी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं उनके समाधि स्थल पर आया हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि भैरव सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा करने का काम किया और राजस्थान को एक नई दिशा देने का भी काम, हम सभी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा राजस्थान यशस्वी बने, विकसित राजस्थान बने, एक अच्छा राजस्थान बने, जो हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब माननीय जो चाहते थे ऐसा राजस्थान बने। उनके जो कार्य थे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सरकार,